ओके देख आज आम आम जोटा अच्छे कोर नाइन जोटा कि अच्छे तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तारी यूनिट वन स्टार्ट करिया को जाउछे हला यूनिट वन रे अच्छी कौन ना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन कहली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हला नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स विषय पढ़ा हेले आमको कौन करिवार अच्छी ना एथरे बहुत सारा कंपाउंड अच्छे लाइक तुमर अच्छे नाइट्रो कंपाउंड्स हला जो थेरे के कौन थे तुम एनओ टू ग्रुप बुझे आउ कौन है आमीन्स थे हला जो थे कौन थी एनएच टू एनएच और एन ये थे हला तुम कौन थे ना सियानाइड्स थे सियानाइड्स रे के किए सब रे तुम ना यहाँ हो पार सी एन ग्रुप आइसोसियानाइड्स हो पारे आइसोसियानाइड्स रे एटा कौन हो एन सी एत सारा भेराइटी अच्छे तुम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ठीक अच्छे तो से विषय आम टे पढ़ाक जाऊे तो प्रथम कैटेगरी रे आम स्टार्ट करने जाऊे नाइट्रो कंपाउंड जो थे कि एनओ टू ग्रुप थी हला तो कौन पढ़ा जाऊे आम नाइट्रो आल्केन्स आलिफाटिक आरोमाटिक नाइट्रो आल्केन्स विषय पढ़ाक जाऊे ओके तो फास्ट की नाइट्रो आल्केन माने इथेरे बहुत सारा ग्रुप थी मन रखी था यार जेनेराल माने रिप्रेजेंटेशन टा होची एन आर एन ओ टू और एटा को बॉन्डिंग एक्सपांड करके देखेले एमिती आमे लिखु डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ हला जोटा कि आमर ए जो सिंगल बॉन्ड टा अच्छी या ऊपर गोटे प्लस थाए या ऊपर गोटे माइनस थाए आउ ए माइनस सहित या उपरे तीन टा लोन पेयर थिबो होना ना बुझेला तो इटा बर्तमान कौन हो जाइए आर एनओ टू स्ट्रक्चर एटा स्ट्रक्चर विषय जानीगले ओके तो बर्तमान आम काम हला यार किछि प्रिपेरेशन विषय पढ़ा देख बर्तमान जाऊँ मेथड्स ऑफ प्रिपेरेशन और प्रिपेरेशन विषय कह पूरा फास्ट प्रिपेरेशन टा अच्छी वेपर फेज नाइट्रेशन वेपर फेज नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स आल्केन रो आमे जदि वेपर फेज रे नाइट्रेशन करिबा केमिति से प्रिपेरेशन होउछि तो देख एथिरे कोन करलि द गैसियस मिक्सचर इ ना देखि जाना पडुछि टोटल टा वेपर फेज रे हि थिबो हला द गैसियस मिक्सचर ऑफ के आल्केन हम आल्केन रे गैस गुड़ाक था गैसेस मिक्सचर ऑफ आल्केन एंड कौन कहले नाइट्रिक एसिड आम नाइट्रेटिंग एजेंट टा किए कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हला एच एन ओ थ्री आट 400 डिग्री सेंटीग्रेड आर सिल्ड कौथेरे सिल्ड था इन ए सील्ड ट्यूब सील कौथेरे हे परिवे सील्ड ट्यूब रे हे परिवे हला हाई टेंपरेचर रे सील्ड ट्यूब रे ताको सील कर देइछ
दे प्रोड्यूस कौन कहली ना नाइट्रो अल्केन्स, नाइट्रो अल्केन्स ना। आ मन रखे था जिते ये प्रडक्शन हो सारे तुमर एमती ट्यूबटा सिल ट्यूबटा अच्छे है तो यही सिल ट्यूब्रे ये क्या लगे तो कहवा कथा ये वर्तमान तुम किए किए थे आल्केन है ना, किए थ आल्केन प्लस कौन थी नाइट्रो आल्केन है ना। तो यही दी जनकर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस थाए सो दीज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रो अल्केन एंड अल्केन कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जार बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस थी कौन डिस्टिंग्विश करदब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जदि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आम ये कर देख कौन करवा ना मो पाखे अच्छी आल्केन रिएक्शन टा लिखा पड़ो आल्केन को हम केमती लिखिपर आल्किल ग्रुप रे एच मिसले से कौन हो जाए आल्केन है ना ना प्लस कौन कली एच एन ओ थ्री को एमती लिखी एच ओ एन ओ टू तो यही एच ओ एच बाहरी जीव है तो यही कौन बलिला 400 डिग्री सेंटीग्रेड रे हिट करी वेपर फेज बोली जानी है तो ये कौन बाहर आर एन ओ टू प्लस एच टू तो यहाँ हो गला नाइट्रो आल्केन ना ना नाइट्रो आल्केन हो ना ना किंतु एथेरे गोटे किंतु रही ठीक अच्छे किंतुटा कौन इफ मोर दैन वन कार्बन इज देयर देन मिक्सचर ऑफ कौन है जे मिक्सचर ऑफ नाइट्रो अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। ओके कहीं की मिक्सचर है जे ना एट हाई टेम्परेचर द सी सी बॉन्ड क्लीवेज ऑकर्स हम तो एग्जांपल ना ये जापर देख तुम्हें जदि सी एच फोर नहींच मिथेन गोटे कार्बन अच्छी आमर कि असुविधा ना ये देवी एच एन ओ थ्री 400 डिग्री सेंटीग्रेड है तो से तुमको कौन दब नाइट्रो मिथेन प्लस वाटर किंतु जदि मु इथेन नौ सी एच थ्री हम प्लस कौन कली एच एन ओ थ्री 400 डिग्री सेंटीग्रेड देली तो ये आम एक्सपेक्ट कौन करुचे नाइट्रो इथेन। ओके नो प्रॉब्लम केवल एतिक हुए ना ये कौन बाहर ला नाइट्रो इथेन भी बाहर ला हम प्लस यू भांगी गले केतरा कार्बन रोच गोटे पटे गोटे कार्बन वाला नाइट्रो कंपाउंड भी बाहर तमाने नाइट्रो मिथेन भी हम हम आती हायर माने पांचटा छटा आठटा ये जिते कार्बन हम सेते अधिक प्रोडक्ट भी बाहर देख मुझे आ गोटे जिनस सपोज जहाँ प्रोपेन नहीं सपोज जड़े कौन नहीं प्रोपेन सी एच थ्री
सी एच टू सी एच थ्री एटा हला प्रोपेन। ओके एथिरे मुं दोउचे एच एन ओ थ्री तो यहाँ कौन हो जाउचे 400 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्तमान देख एथिरे नाइट्रो प्रोपेन हो पार तो लिखिदेली सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन ओ टू तो ये कौन है गला वन नाइट्रो प्रोपेन हाँ ना ना प्लस देख एटा प्राइमरी कार्बन थिला एटा सेकेंडरी तो एन ओ टू टाइ सेकेंडरी रे भी लग पार तो एटा कौन हो पार एमती हो पार हम या ना है टू नाइट्रो प्रोपेन। ओके कौन पाइले टू नाइट्रो प्रोपेन प्लस तीन टा कार्बन थिला भांगी जीव भांगी गले देख गोटे पटे दीटा कार्बन रोच तो दीटा कार्बन रहिले तार ना कौन है थी सी एच थ्री सी एच टू एन ओ टू तो यहाँ है नाइट्रो इथेन हाँ ना आउ पटे गोटे कार्बन अच्छे तो नाइट्रो मिथेन भी है थी। ओके नाइट्रो मिथेन भी बाहर क्लियर अच्छा एमती बहुत सारा प्रोडक्ट है पर देखो परसेंटेज भी अच्छे वन नाइट्रो प्रोपेनटा 25% बाहर टू नाइट्रो प्रोपेनटा अच्छी जेहेतु सेकेंडरी पोजिशनटा बेसी स्टेबल 40% अच्छे नाइट्रो इथेनटा भी 25% अच्छे आउ 10% होचे नाइट्रो मिथेन भी अच्छे है परसेंटेज भी अच्छे ठीक अच्छे तो एतिकी जिनस जानला परे आमे जाई परिबा आमर सेकेंड प्रिपेरेशन जोटा कि कौन फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स कोठु फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स देख फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स। ओके अल्किल हैलाइड रो केमते प्रिपेरेशन करिबा ना अल्किल हैलाइड्स सुन एथरे के रिएक्शन करिबे देख स्पेशियली ब्रोमाइड्स ब्रोमाइड गुड़ाक बेटर माने बॉन्ड करंती तो कहा सहित एथेरे रिएजेंट के यूज हम ए जी एन ओ टू रिएक्ट्स विथ हम कौन कहली रिएक्ट्स विथ ए जी एन ओ टू सिल्वर नाइट्राइट ओके सिल्वर नाइट्राइट टू फॉर्म नाइट्रो अल्केन्स। ओके किंतु मन रखी था एटे के एन ओ टू हेले अल्किल नाइट्राइट से जी एन ओ टू बदल के एन ओ टू नहीं गले अल्किल नाइट्राइट से जाए ठीक अच्छे तो शुण कौन कहली नाइट्रो अल्केन हो गल तो ये रिएक्शन टाक केमी देखा एमती देखे दियो आर एक्स। ओके आर एक्स प्लस कौन ए जी एन ओ टू हेले कौन करा ए जी एक्स एटा प्रेसिपिटेट होटा आर एन ओ टू। ओके देख यार मेकानिजमटा टे जानवा दरकार कहीं एनओ टू दिए कौन पाई ना मेकानिजम तापर एग्जांपल को जी है मेकानिजम कौन अच्छी ना एमती ए जी एनओ टू टा किए ए जी ओ एठी रहिला एन एठी रहिबो डबल बॉन्ड ओ तो यहाँ है ए जी एनओ टू सिल्वर नाइट्राइट। ओके
सिल्वर नाइट्राइट रे ए ओ टा ओ माइनस है कि न थाए कौन पाई ए बॉन्ड टा प्योरली आयोनिक हुए नहीं, ये बेसिक कोवेलेंट कम आयोनिक हुए तेणुक ओ माइनस ए जि प्लस तैयारी हुए ना किंतु के एन टू रे के प्लस ओ माइनस हो जाए तेणुक ओटा न्यूक्लियोफाइल हो जाए किंतु यही जगार जेहेतु ये बंडटा भांगुना नाइट्रोजेन उपर जो लोन पेयर थी सीए हम न्यूक्लियोफाइल हला। आउ तुम पाखे किए अच्छे सपोज आर एक्स आल्किल हलाइड अच्छे ना नहीं वर्तमान आर एक्स रे एटा डेल्टा प्लस एटा कौन डेल्टा माइनस तो एटा या उपरे अटैक करिवो एटा एमती बाहर की पलैबो एटा एसएन2 मेकानिज्म होच ना होनी होची तेणु करी एसएन2 जदि हैला ताहले कौन देख लागिला ना एठी फर्स्ट स्टेप रे तमर कौन हे जाउची आर एठी लागिला एन उपरे प्लस हला एठी कौन अछि डबल बॉन्ड ओ एपटे थिबो ओ ए जी हब प्लस कौन हे थिबो एक्स माइनस नेक्स्ट स्टेप रे ए एक्स माइनस टा ए जी प्लस को नै जिवो तो या उपर को कौन चले आसीबो माइनस तो वर्तमान देख प्रोडक्ट कौन होची आर एन प्लस डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस गोटे कंपाउंड रे प्लस माइनस दुटा थी जो एटा न्यूट्रल कंपाउंड देख लाइच ना ना नाइट्रो आल्केन कहीं जानपार जदि स्टार्टिंग रु ओ माइनस जाए था सी अटैक कर दे था बुझिपार तो एबे कौन करिबा यार एग्जांपल किछ कर दबा एग्जांपल गुड़ाक केमिति करूची ना देख एमती आरटार भी एठी टिके खाली ठार रे लेखि देछि हां आरटा जो थे एनओ टू माइनस टा के एनओ टू बा एन एनओ टू देले कौन हुए तो एटा हे जाए तो सेटा जे तळे कंपैरिजन पड़िबो लेखि पारिबो एथरे कौन लेखिबो एमती आर आई बा आर एक्स एस एन टू तो एठी देख ओ माइनस टा अटैक करजे कम ओ माइनस टा फ्री हे जाइछि हला तो ए केस रे कौन होजे तमरो आर ओ एन ओ होजे प्लस के एक्स एटा से रिएक्शन थिला एतार एटार भी मेकानिज्म जानी गला दिटा जको कंपैरिजन रे ओके हबा ओ ठीक अच्छे देख बर्तमान एग्जांपल गोटे दुटा करदे आम काम सर सपोज मुझे सी एच थ्री आई या ना कौन थी मिथाइल आयोडाइड आई नहीं पार आईटा बेटर लिविंग ग्रुप भी किसी असुविधा ना HgNO2 देली सिल्वर नाइट्राइट तो ये कौन है सी एच थ्री एनओ टू प्लस कौन हो जाए ना HgI हला तो एटा हो जाउची नाइट्रो मिथेन कौन होची नाइट्रो मिथेन वर्तमान देख सी टू एच फाइव बी आर मिथाइल ब्रोमाइड ओके प्लस कौन नेली एच जी एनओ टू तो कौन है ना एटा सी टू एच फाइव एनओ टू तो यहाँ को कौन कहले ना एच जि बी आर हो जाए या ना हो गला नाइट्रो इथेन नाइट्रो इथेन क्लियर बुझे ना अच्छा देख लि सब रिएक्शन को मेकानिज्म देखी जाऊँ एसएन टू इट फॉलोज मुझे लिखिपरि एमती इट फॉलोज कौन है एसएन टू मेकानिज्म है सो वन डिग्री एंड टू डिग्री अल्किल हैलाइड्स सोच हायर रिएक्टिविटी हाँ ना नहीं हायर रिएक्टिविटी बुझेला अच्छा वर्तमान देख आम जी थर्ड मेथड
थर्ड मेथड टा कौन हुए ना ऑक्सीडेशन कहार ऑक्सीडेशन ना टिके देख थर्ड मेथड रे होची ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्किल अमीन ओके ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्किल अमीन तो यहाँ कौन हुए स्टेटमेंट कौन हम ना टर्शियरी अल्किल अमीन्स तुम पूरा लिख टर्शियरी अल्किल अमीन्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कालाइन KMnO4 और एसिडिफाइड KMnO4 टू गिव टर्शियरी 3° नाइट्रो अल्केन्स बहुत सहज रिएक्शन है टू गिव टर्शियरी नाइट्रो अल्केन्स कौन कर गोटे टर्शियरी जो एमती नहीं जाओ टर्शियरी ब्यूटाइल अमीन टर्शियरी ब्यूटाइल अमीन माने एटा या ना कौन हो जाउछ टर्शियरी ब्यूटाइल अमीन ओके टर्शियरी ब्यूटाइल अमीन रे कौन करुच ऑक्सीडेशन तीन टा ओ काहे के लिखले कहिबी तो एठ लिख देली अल्कलाइन KMnO4 लिख देली हला तो देखो एठू H2 गुटे ओ कौन है कि पळैबो H2 क्लियर तो बाकी टा कौन बळी CH3 CH3 एठे रहिबो CH3 एठे N रहिला आउ दीटा ओ जो बळी छे से H बदल रे आसी लाग जइबो ओके तो ये कंपाउंडटा कौन हो जाउछि 2 नाइट्रो देखो ना कले 2 नाइट्रो 2 मिथाइल MN बा आगो मिथाइल रहिया कथा 2 मिथाइल 2 नाइट्रो प्रोपेन ओके तो हे गला ना नहीं तो टर्शियरी रे भी होउछि ना नहीं बुझि पल्लो ना नहीं अच्छा थिला तमर प्राइमरी माने एलिफैटिक अमीन रो प्रिपरेशन आ गोटे भी अच्छी जे गोटे एक्सेप्शन कथा तुमको टिके कहिबाकु जाउछि हला एतिके थिला एलिफैटिक माने ओपन चेन गोटे एक्सेप्शन अच्छे यहाँ गोटे वर्ष जाम क्वेश्चन टा दे क्वेश्चन टा शुण से देची तुमको जे कौन ना तुम पाखे अच्छी यहाँ CH3 CH2 NO2 ठीक अच्छे ये दीटा कंडीशन देची NaNO2 माने KNO2 जहाँ NaNO2 से एपटे भी देची NaNO2 ओके किंतु एठी गोटे सॉल्वेंट देची DMSO एपटे गोटे सॉल्वेंट देची अल्कोहल हला अल्कोहल बा वाटर देथियो देखो ए दीटा जक भितरे डिफरेंस इति के जे एटा गोटे पोलार सॉल्वेंट एटा भी गोटे पोलार सॉल्वेंट ये पोलार है कि H+ दे परिवनी माने एटा आप्रोटिक पोलार सॉल्वेंट एटा होची प्रोटिक पोलार सॉल्वेंट एतिके हला डिफरेंस जेतले प्रोटिक नै जीवो एटा आयोनिक Na+O-NO दबो हला तो एई केस रे कंपाउंड कोन हबो C2H5 पूरा के NO2 NaNO2 जेमिति रिएक्शन करे सेमिति हे जीवो एटा हे जीवो नाइट्राइट हे जीवो किंतु यदि अप्रोटिक सॉल्वेंट दब ये आउ आयोनिक मेकानिज्म रे भांगिबनी हला न भांगिले ये पोलार किंतु भांगिबनी न भांगिले कोन दब हमकु C2H5NO2 बुझ पालो एक्सेप्शन टा कोन थिला हला
जामना बीएचयू कौ थे गोटे क्वेश्चन टा थिला हाँ टिके देखियो ला आ गोटे प्रिपेरेशन कहुचे तापर आमर यार प्रिपेरेशन सारिबा आरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड रो प्रिपेरेशन को जिबा ला तो आ गोटे प्रिपेरेशन रे कोन अछि ना एमती अछि फोर्थ प्रिपेरेशन फोर्थ रे आमे एटा नै परिबा रिएक्शन ऑफ KNO2 और NaNO2 विथ कहा सहित विथ अल्फा हालो एसिड्स हले अल्फा पोजीशन रे हालोजन थाई कि एसिड थिवो तो एमती लिखिबा अल्फा हालो एसिड्स रिएक्ट्स विथ कहा सहित से रिएक्शन करती ना KNO2 और NaNO2 टू गिव कौन अल्फा नाइट्रो एसिड्स हला अल्फा नाइट्रो एसिड्स दीज अल्फा नाइट्रो एसिड्स ऑन strong heating produces कौन प्रोड्यूस करते हैं माने CO2 गैस एंड नाइट्रो अल्केन्स देखो रिएक्शन टा करले जान जीव संगे से हला तो एमितिया जिनसटा अछि CH3 CH एठी गोटे CL लागिचे एठी तमर COH अछि तो एथिरे फास्ट कि दे दबो KNO2 तो CL टा एठो कोन हे जेबो माइनस के CL तो कोन हे गला CL जगह रे के लागि जाउची NO2 होची तो या ना कोन थिला 2 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड ओके तो एटा ना कोन हे जाउची 2 नाइट्रो प्रोपानोइक एसिड हवा वर्तमान एटा रे स्ट्रांग हीट दबो ताहले एठू CO2 बाहर के पळैबो CO2 माइनस CO2 हे गला माइनस CO2 हेले कोन होउची टिके देखो ए जगह रे खाली एच टा लागि जिवो तो तमर हे गला CH3 CH2 NO2 तो गोटे कार्बन कोन हे जाउछ लेस हे जाउछ हना ने तो नाइट्रो इथेन हबो जानि हला केमते हेच ओके एतिकि थिला अल्फाटिक नाइट्रो कंपाउंड रो प्रिपरेशन तो एबे प्रिपेरेशन टिके पढ़िया को जाऊ छे प्रिपेरेशन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हबो प्रिपेरेशन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स सुनो एथिरे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पढ़ी जाए सेटा ही सब फास्ट रे थिबो तो सेटा को हमें कहूचे डायरेक्ट नाइट्रेशन फास्ट मेथड रे ताहले के रहिला डायरेक्ट नाइट्रेशन ओके डायरेक्ट नाइट्रेशन रे कौन हुई ना एटा गोटे दिस इज एन अर्ध घंटा भितर तीनटा ट्रेन ए पाखरे गला कौन कहिबी दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हला
तो एटा कौन हुए ना बेंजीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर नाइट्रेटिंग मिक्सचर टा तमरो किए ना कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कौन ना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 at 60 डिग्री सेंटीग्रेड मन रखी था जदि 60 मेंशन मेंटेन न करिबो एटा प्रैक्टिकल रे करा हुए बेस रे जनरली जदि 60 रु अबव कर दबो 100 कर दबो से गुट्टे जगह रे नाइट्रेशन हे के रहिबनी से दुईटा जगह को चेंज हो जिवो हला नाइट्रेशन टा कोन हे जिवो डाई सब्स्टिट्यूटेड हे जिवो ठीक अछि करिबी रिएक्शन टा टिक गले करिबी तो फर्स्ट एथिक जान था हां तो एटा रो रिएक्शन टा कोन एमिति अच्छा टू गिव लेखिनी टू गिव कौन है जीवो नाइट्रोबेंजीन ओके तो एटा हला बेंजीन रे कौन देले कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 60 डिग्री सेंटीग्रेड हब ओके देख कौन हला ए तो कौन ए दिटा हले नाइट्रेटिंग मिक्सचर हले कौन है जीवो ना तमर एठु बाहरिबो NO2 ओके तो कौन मिलुचे नाइट्रो बेंजीन बर्तानी यार मेकानिज्म टा टिके देखि दवा परीक्षा रे बेले पचार दिए नाइट्रेशन रो मेकानिज्म ऑलरेडी पूरा फर्स्ट सेमेस्टर आडू पढ़ी पढ़ी आछ तो फर्स्ट स्टेप रे एमती मिसेबो HONO2 प्लटा भांगिबो कोन हे जिवो OH माइनस प्लस NO2 प्लस हबो आ H2SO4 टा HHSO4 लिखि परिबि भांगिले कोन हे जिवो H प्लस प्लस SO4 HSO4 माइनस हला तो ए दिटा मिसै दियो एपटे लेफ्ट रे रहिबो कोन HNO3 प्लस H2SO4 एटा हे जिवो कोन ना H प्लस OH माइनस हे जिवो H2O HSO4 माइनस प्लस NO2 प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल टा एटा हला इलेक्ट्रोफाइल बर्तन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दबा तो एमती बेंजीन अछि बेंजीन रे तीनटा बॉन्ड अछि एथिरे मु देली NO2 प्लस तो ए बॉन्ड टा एठी अटैक करिवो तो एमितिया हे जिवो तो एठी रहिवो प्लस डबल सिंगल एठी HNO2 ओके तो एटा अंडर गोज रिजोनेंस एटा एठी के बोलिवो तो एटा आसीबो एठी के डबल एठी डबल एठी प्लस एठी HNO2 हेला बर्तन एगेन रिजोनेंस एटा एठी के बोलिवो सो तमरो नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर टा कोठी आसुचि ना एठी डबल डबल एठी आसीबो प्लस एठी हबो HNO2 तो ए तीनै टांकर रिजोनेंस हाइब्रिड टा एमिति हबो एठी रहिला HNO2 प्लस टा जेहेतु एई कार्बन रो एई कार्बन पर्यंत बोलुचि ता मझिरे प्लस दे देबि हला बर्तन ए स्ट्रक्चर रे देबि HSO4 माइनस तो एठु ये कोन नै जिवो H प्लस एटा को कहंती अरोमाटाइजेशन स्टेप तो एठि तमर कोन तयार हे जिवो नाइट्रोबेंजीन तेरे हेला ना नहीं नाइट्रोबेंजीन ओके एटा थिला मेकानिज्म किंतु कौन हुए एटा मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन एक मार्के रे प्रायो टाइम पछरे हला देखो तुम पाखरे अछि बेंजीन जति तमे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 देइच कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देइच आट 60 डिग्री सेंटीग्रेड सीए दोची तमको नाइट्रोबेंजीन हना ना किंतु सेम कंडीशन रे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 देइच
कंसेंट्रेटेड H2SO4 रखिल केवल टेम्परेचर टाकू 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देछ ताहले तमे कौन पाइब ना डाई नाइट्रो बेंजिन कौन पाइब डाई नाइट्रो बेंजिन 1,3 डाई नाइट्रो बेंजिन हब पाइल होची तो एटा नाइट्रेशन रो ये बुझिपाल एटा थिला गोटे मेथड खाली ए गोटे मेथड जे ये से या नुह बहुत सारा रिएक्शन भी अच्छी देखो आउ किछ भी तारा एग्जांपल कर दउची सपोज तमरो एमती अच्छी टॉलुइन खाली बेंजिन न थाय के टॉलुइन आमे जानचे एटा ऑर्थो पारा डायरेक्टली होना नहीं तो एथेरे देबी कोन कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 तो एटा कोन हे जीव 835 डिग्री 60 डिग्री भी दरकार नहीं जेतु इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अछि तो से दउची तुमको कोन दुटा प्रोडक्ट रो मिक्सचर CH3NO2 हबो एपटे कोन थिबरे एटा CH3NO2 तो मेजर के या ना कोन हेथिबो पारा नाइट्रो टॉलुइन ओके एटा हे जाय हमर कोन मेजर एटा कोन हेथिबो ऑर्थो नाइट्रो टॉलुइन लिखिबो पूरा कंप्लीटली या तर लिखि देथिबो टॉलुइन ये हे जिवो माइनर ओके यानी देखो एटा थिला हमर डायरेक्ट नाइट्रेशन तो गुटे जदी जने लेखि छि डायरेक्ट नाइट्रेशन आ गुटे थिबो इनडायरेक्ट नाइट्रेशन होना नहीं इनडायरेक्ट नाइट्रेशन ओके इनडायरेक्ट नाइट्रेशन केमथि करियो ना एमथि करि परिबो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कौन कहली बा आनिलिन रो कर परिबो बेटर होची आनिलिन रो आनिलिन अंडरगोज डाइआजोटाइजेशन बाय NaNO2 प्लस HCl माने HNO2 एटा दि आमे जानि छे NaNO2 HCl देले कोन हे जीवो HNO2 एट 0 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव बेंजीन डाइआजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइआजोनियम क्लोराइड ओके तो ए बेंजीन डाइआजोनियम क्लोराइड नाउ BDC बेंजीन डाइआजोनियम क्लोराइड रो शॉर्ट फॉर्म कोन BDC रिएक्ट्स विथ कहा सहित ना NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर बा खाली NaNO2 दे देले भी चल जीव टू गिव नाइट्रो बेंजीन हबो तो देखो रिएक्शन टा केंदी करिबा ना एमितिया तम पाखरे अछि NH2 या ना कोन एनिलिन ये काहा सहित रिएक्शन करिवो HNO2 नाइट्रस एसिड कोठु आसी थाए NaNO2 प्लस HCl एटा केते डिग्री रु केते डिग्री रे हुए 0 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो से तप तमको कोन बेंजीन डाइआजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस एटा हला BDC एई थेरे तमे कोन दबो ना NaNO2 कॉपर हिट तो एटा देले एई ऊपर कोन लागि जीवो NO2 हला प्लस कोन हे जीवो NaCl पळैबो NaCl पळैला
प्लस कौन हो मझीर एन टू गैस बाहरी गला तो यहाँ हो जाइब नाइट्रो बेंजीन। ओके कौन है गला नाइट्रो बेंजीन हूँ। आखिरी भी गोटे रिएक्शन अच्छी आ गोटे भी एमती कर पारी बो, सेम बी डी सी सेम बी डी सी जदि तुम एथिरे एच एन ओ टू इन प्रेजेन्स अफ सी यू टू ओ भी दब जोटा यर्यंत आसीगल यू एटा जापार ना एटा जापार जो दीटा जो रिएक्शन टा कले चलो ये भी से तुम ये कौन लगे एन ओ टू। ओके प्लस कौन एन टू प्लस एच सी एल है केवल एच सी एल पल एनओ टू टा ये लगे एन टू गैसटा बाहर है तो जो बाटर ये दुटा बाटर जो पटे गले नाइट्रो बेंजीन आमको इनडायरेक्ट स्टेप मिलूँ फ्रॉम एनिलीन। ठीक अच्छे सेमती आ गोटे अच्छी आरोमेटिक रो प्रिपेरेशन सेटा होची कौन ना थर्ड रे कहिबी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ आराइल अमीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ आराइल अमीन्स हब एटा रे कौन हब व्हेन एनिलीन किए आरइल आमीन किए एनिलीन एनिलीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइज्ड बाय को को दीटा रिएजेंट नहीं पार ना सी एफ थ्री सीओओएच सीओओएच एटा को कहते पर एसिड है तीन टा ओ रहिले ताको कहते पर एसिड परबेंजोइक एसिड एम सी पी बी एम एटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड एंड एटा ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड है तो आउ कौन हो पार ना एच टू ओ टू इन प्रेजेन्स अफ सी एच थ्री सीओओएच है तो यही दुटा रिएजेंट भितर जोटा भी नब से एनिलीन को कन्वर्ट ऑक्सीडाइज बाय एतिकी टू गिव कौन नाइट्रो बेंजीन। ओके टू गिव नाइट्रो बेंजीन तो रिएक्शन टा लिखी दबा एमती एठी एक थरे कौन नहीं गली एनिलीन एन एच टू तो या ना कौन लिखीदेली एनिलीन। ओके बर्तमान एटा कौन हो ना एटा दिए सी एफ थ्री सीओओएच है और एटा एटा दियो एच टू ओ टू कौन देली एच टू ओ टू सी एच थ्री सीओओएच ये दुटा भितर जहाँ दे तुम से कौन दब ना नाइट्रो बेंजीन एनओ टू हब ये बड़ बड़ अक्षर करदे दीज जाक नाइट्रो बेंजीन ये भी कौन हो नाइट्रो बेंजीन आ ना लिखुनि ऊपर तो लिखिदे है तो प्लस एथेरे कौन हो जा एच टू ये भी प्लस एच टू दीटा लेखा एच टू बाहर। ओके यहाँ है रिएक्शन प्रिपेरेसन अफ कौन एपर्तंत कौन कहले प्रिपेरेसन अफ नाइट्रो कंपाउंडस है यापर आम पढ़ा प्रॉपर्टीज। ओके प्रॉपर्टीज पर जाए कौटिक जाऊे प्रॉपर्टीजटा दुईटा क्लास लगे जा नाइट्राइल्स को जी अमीन्स को है तो ये देख।